कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड़ मिनमो सुदकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। परद्रव्य के साथ आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध भी नहीं है। कदाचित पर का कर्ता और भोक्ता कहा जाता है तो ये मात्र व्यवहार का ही कथन है। निश्चय से देखा जाए तो कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है कर्ता कर्म का संबंध? यदि निश्चय से हो तो तन्मयता का प्रसंग आएगा और तन्मय तो होता नहीं है, तन्मय हो नहीं सकता, इसलिए कर्ता कर्म भी निश्चित रूप से नहीं होता है। तन्मय नहीं होता इसे जो पिछले कलशों में अपन ने पढ़ा था उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया, बहिर लुठन अपि, वो बाहर बाहर तो लौटते हैं। इसका अर्थ है एक क्षेत्रावगाह रूप से कदाचित प्रविष्ट हो रहे हो लेकिन तन्मय नहीं हो सकते, एक दूसरे के स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं और इसीलिए वो बहिर लौटना कहा। और जब बहिर बाहर ही लौटना है तो अन्य वस्तु में वो क्या कर सकेगा? तो कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है। कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ज्ञाता तो है कि नहीं है, ज्ञाता है कि नहीं है? हाँ, ज्ञाता तो है, कर्ता तो नहीं है, लेकिन पर को जानता तो है ना कि हाँ जानता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि कर्म का कर्ता, भोग्य का भोक्ता, ऐसा ही किसका ज्ञाता? ज्ञेय का ज्ञाता। तो कर्म भोग्य कहा तो ज्ञेय का ज्ञाता, और जो ज्ञाता है उसका एक नाम ज्ञायक है। तो जो ज्ञायक है वह ज्ञेयों का होता है ना, ज्ञेयों का ज्ञायक, तो ज्ञेयों का ज्ञायक होता है कि नहीं होता है? अब बस इसी की चर्चा बहुत विस्तार से अभी चलने वाली इन 10 गाथाओं में। और वह ज्ञायक के साथ ज्ञेय की बात ली तो अकेला एक ज्ञान ही गुण थोड़ी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, साथ में श्रद्धा को भी थोड़ा अलग किया है, सुख की बात नहीं की है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और श्रद्धान, इन चार गुणों की बात की। और इन चार गुणों के संदर्भ में व्यवहार की स्थिति क्या और निश्चय की स्थिति क्या, निश्चय व्यवहार की दोनों की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से, कलई के उदाहरण के माध्यम से। कलई, सफ़ेदी, चूना,
उसमें हिंदी में शब्द जो दिया उसमें खड़िया मिट्टी भी लिखा हुआ है, जो पोतने के काम आती है, पोतने के काम आने वाला चूना, इसका उदाहरण लेते हुए। अब इसमें लगे कि क्या उदाहरण है, गाथा में तो बहुत सामान्य उदाहरण लिया, टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने न्याय की शैली में बहुत तर्क वितर्क करते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की है। चूंकि कलशों के माध्यम से अपन ने उत्थानी का तो पढ़ ली, लेकिन गाथाओं में क्या विषय आने वाला है इसकी चर्चा गाथार्थ प्रारंभ करते हुए दो पंक्ति में दी है। गाथार्थ तो गाथार्थ से पहले जो दो पंक्तियां हैं उसको अपन पहले पढ़ते हैं, फिर गाथाओं का पाठ करेंगे। यद्यपि व्यवहार से मिला आपको कौन सी गाथाएं चलने वाली हैं, 356 से 365 तक की गाथाएं चलेंगी। इनके जो गाथार्थ है उसमें यद्यपि व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का गेय ज्ञायक संबंध है, दृश्य दर्शक संबंध है, त्याज्य त्याजक संबंध है, तथापि निश्चय से वस्तुस्थिति इस प्रकार है। चित्त में कोई प्रश्न खड़ा हुआ, कोई खड़ा हुआ प्रश्न इस वाक्य को पढ़ करके? नहीं हुआ, फिर से पढ़ते हैं, फिर सोचना कोई प्रश्न आता है क्या। यद्यपि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का गेय ज्ञायक संबंध है, दृश्य दर्शक संबंध है, त्याज्य त्याजक संबंध है, तथापि निश्चय से वस्तुस्थिति इस प्रकार है। चलो मैं बोलता हूँ, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध और गेय ज्ञायक संबंध। तो कर्ता कर्म संबंध पर आत्मा और परद्रव्यों का, परद्रव्यों का और आत्मा का कर्ता कर्म संबंध कैसा है, व्यवहार से। भोक्ता भोग्य संबंध और ज्ञाता गेय और गेय ज्ञायक संबंध, गेय ज्ञायक संबंध, ये व्यवहार से कैसे, गेय ज्ञायक ज्ञायक पर का कर्ता नहीं है, जबकि कर्तापने का निषेध करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार के अंत में जो कलश आया ना वहाँ बार बार ये कहा है, कर्ता ज्ञाता है कर्ता नहीं है, जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है, ज्ञाता होता है वह कर्ता नहीं होता है। तो ज्ञातापने की स्थापना की है, कर्तापने का निषेध किया है, भैया तुम पर के कुछ नहीं करते हो, मात्र सब जानने देखने वाले हो, ज्ञाता हो कर्ता नहीं हो, तो ज्ञातापने को तो स्थापित करते हैं ना, तो फिर ज्ञातापना व्यवहार से कैसे। तो गेय ज्ञायक संबंध साथ में दृश्य दर्शक, तो गेय ज्ञायक दृश्य दर्शक ज्ञाता दृष्टा दोनों एक साथ हैं। त्याज्य त्याजक में तो थोड़ा अपन कह सकते हैं, त्याज्य त्याजक भाई ग्रहण किया है तो भी व्यवहार से, छोड़ा तो भी व्यवहार से, वहाँ तो कदाचित कह सकते हैं, परंतु इन दो में व्यवहार कैसे लगा, ये ज्ञायक और दर्श दर्शक का संबंध। तो यहाँ दो विवक्षा लेना, एक तो गेयों का ज्ञायक, तो पर गेय गेय और आत्मा ज्ञायक, तो ये पर द्रव्यों से संबंध लेकर के पराश्रित कथन हो रहा है, तो पराश्रित कथन होने के कारण से यहाँ पर व्यवहार कह सकते हैं। तो गेय ज्ञायक में भी पर का ज्ञायक, तो परपना इतना सा आया, इसके लिए भी व्यवहार कह सकते हैं। दूसरा, दो के बीच में कोई भी संबंध खड़ा करो, वह गेय ज्ञायक संबंध, वो उस रूप में, इसलिए गेय ज्ञायकपना, वो भेद करके संबंध खड़ा किया, इसलिए भी वहाँ व्यवहार ही है, पर से संबंध स्थापित किया जा रहा है तो व्यवहार ही है। जैसे आचार्य ने जरूर प्रश्न खड़ा किया, तो इसका मतलब पर को जानना व्यवहार है, व्यवहार से जानता है, तो व्यवहार से जानने का जो तात्पर्य है, जो परमात्मा प्रकाश में नियम सार में जो चर्चा आई है उस बात को लेते हुए, पर को तन्मय होकर के नहीं जानता इसलिए व्यवहार है,
और स्व को तन्मय होकर जानता है, इसलिए निश्चय है। तो पर का जानना कुछ असत्यार्थ हो अभूतार्थ हो ऐसा नहीं है, जानता तो है। केवली भगवान की बात भी की, केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते, इसका मतलब कोई बातें सिर्फ एक महिमावाचक कही जाती ना अतिशयोक्ति में, तो ऐसा कह दिया हो ऐसा नहीं है, वास्तविक जानते हैं, जानना वास्तविक है। फिर व्यवहार क्यों कह रहे हैं कि जैसा स्वयं को तन्मय होकर के जानते हैं ऐसा पर को तन्मय होकर के नहीं जानते, इसके कारण से व्यवहार है। सुख का उदाहरण भी लिया उन्होंने, सुख का उदाहरण लिया, जैसे स्वयं का सुख दुख है, दुख तो होगा ही नहीं उनको, स्वयं का जो अनंत सुख है वो अपने अनंत सुख को जानते हैं और अनंत सुख को जानते हुए उसके साथ में तन्मय हैं, तन्मय होकर के जान रहे हैं, और पर के सुख दुख को जानते हैं, सुख को भी जानते हैं दुख को भी जानते हैं पर के। अब ऐसा ही यदि पर के साथ भी तन्मय होकर के जाने तो क्या होगा, दुख के साथ तन्मय होंगे, तो दुख के साथ तन्मय होंगे तो दुखी होने का प्रसंग आएगा, ऐसा होते नहीं है। तो इसलिए तन्मय होकर नहीं जानने, जानने में कोई कमी नहीं है जिसके कारण व्यवहार कहा जाता हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी गेय गायक संबंध को व्यवहार कहने में जानता ही नहीं है, मात्र वह ने कोई औपचारिक कथन कर दिया हो, वो ऐसा नहीं है, वास्तविक है, पर से संबंध जोड़ा गया, इतने मात्र में वो व्यवहार हो जाता है। चलिए अब गाथाएं पढ़ते हैं ध्यान से, जितना समझ में आए उतना ध्यान लेना ख्याल में, एक शब्द, बाकी के बहुत सारे शब्द तो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र इनके लिए जो शब्द आ रहे हैं वो तो परिचित जैसे हैं, इन एक शब्द पुनः पुनः आएगा, सेड़िया, सेठिया नहीं है वो, सेड़िया है, और उसका यदि संस्कृत छाया देखेंगे तो सेटिका, और सेटिका माने श्वेत करने वाली कलई, संस्कृत टीका में शब्द दिया श्वेत यित्री, श्वेत करने वाली ना, वो इसलिए सफेदी चूना वगैरह जो है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया हुआ है। जह सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया ये साहो दी, तह जान गो दुन परस जान गो जान गो सोदू। जह सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया ये साहो दी, तह पास गो दुन परस पास गो सोदू। जह सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया ये साहो दी, तह संज दो दुन परस संज दो सोदू। जह सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया ये साहो दी, तह दंसणम दुन परस दंसणम दंसणम तंतु। एवं तु निक्षयणयस भासिदं नाण दंसण चरिते सुनुववहारणयसय वत्तव्वं से समासेण। जह पर दव्वं सेडदिव सेड़िया अपनो सहावेण, तह पर दव्वं जान दी नादा विषयेण भावेण। जह पर दव्वं सेड़ दी सेड़िया अपनो समावेण, तह पर दव्वं पस्सदी जीवो विषयेण भावेण। जह पर दव्वं सेड़ दी सेड़िया अपनो सहावेण, तह पर दव्वं विजदी नादा विषयेण भावेण। जह पर दव्वं सेड़ दी उसेड़िया अपनो सहावेण, तह पर दव्वं सद्दहदी सम्मदित
दृष्टि सहावेण एवं व्यवहार सदु विणिच्छवोणाल दंसन चरिते भणिदो अल्ले सुवि पज्जये सुए मेवणादवो। जह माने जैसे सेड़िया दूण परस सेड़िया सेड़ियाय साहोदी, जैसे वो जो सफ़ेदी है ना, वो सफ़ेदी पर की नहीं होती है। पर की नहीं होती है का मतलब क्या? जैसे दिवाली पर अब घर पे रंग होना हो तो उस रंग में भी अलग अलग, ड्राइंग रूम में कोई अलग रंग होना है, किचन में कोई अलग रंग होना है, बाहर खुले बरामदे में कोई अलग रंग होना है, बाउंड्री वॉल में कोई अलग होना है। तो जो रंग के डिब्बे आए होंगे तो वो जो डिब्बा आया होगा उस डिब्बे को क्या कहा जाएगा? ये डिब्बा किसका है? ये ड्राइंग रूम का है। ये डिब्बा किसका है? ये किचन का है। ये अब वो कल ही सफ़ेदी की बात हो रही है, वो तो कहाँ पोती जाएगी? वो तो बाहर के बाउंड्री वाल पे, दीवार पे पोती जाएगी। पहले ज़माने में तो घरों में पोती जाती थी। अब वो पहले ज़माने का उदाहरण लिया जाए तो ये इतना सारा चूना क्यों लाए हैं? किसका चूना है ये? किले इस दीवाल का है। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं वो चूना है वो दीवाल का है क्या? वो परस, ये पर जो है वो पर उसी की बात कर रहे हैं जिसके लिए आया है, जिसको सफ़ेद करने के लिए आया है, उसका है क्या? कहते नहीं है, उसका कहाँ है? तो फिर किसका है? वो उसी का है, स्वयं सफ़ेदी जिसकी है उसी की है। टीका में बहुत अच्छी तरह लेने वाले से, जह सेड़ियादु न परस, वह सफ़ेदी पर की नहीं होती है, सेड़िया सेड़ियाय सा होदी, वह सफ़ेदी सफ़ेदी की ही होती है, उसकी दीवाल की थोड़ी होती है। सफ़ेदी सफ़ेदी दीवाल दीवाल है। यदि दीवाल की मानी जाए तो क्या दिक्कत है? वो सब तर्क वितर्क करेंगे टीका में, अभी तो गाथा का सामान्य अर्थ समझते हैं। कहते वह सफ़ेदी परत की नहीं है, सफ़ेदी सफ़ेदी की है, तह उसी तरह जान गो। ये जो ज्ञायक है ये किसका ज्ञायक है? ज्ञायक दू न परस, ये भी पर का ज्ञायक नहीं है। फिर किसका ज्ञायक है? जान गो सो दू, ज्ञायक ज्ञायक का ही है। अभी तो कुंद कुंद आचार्य ने तो इतना स्वीकार कर लिया ज्ञायक ज्ञायक का है, अमृत चंद्र आचार्य ये भी स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञायक का ज्ञायक, दो ज्ञायक कहाँ हैं? दो कहाँ हैं? ज्ञायक एक ही तो है, तो फिर क्या कहना चाहिए? बस ज्ञायक ज्ञायक है ये कहना चाहिए। वहाँ तक निश्चय लेकर के जाएंगे भी। अभी तो ये कह रहे हैं पर का तो नहीं है, ज्ञायक पर का नहीं है, ज्ञायक का है। अब इसमें पर को जानता नहीं है ये वाला निषेध नहीं करना, जानने का निषेध नहीं, बल्कि तो आगे तो कहने वाले जानक स्वभावेण जान दी, स्वभाव से जानेगा, स्वभाव है उसका तो जानता है, जानने का निषेध नहीं। पर किस बात का निषेध है? तो जानता है तो उसका हो जाता है ऐसा नहीं है। लोक में थोड़ा सा ऐसी आदत होती है ना, जिसको मैंने जान लिया तो वो क्या हो गया? मेरा हो गया। वो बचपन जैसे पार्क में चले गए, झूले हो रहे, झूल रहे, झूल झूलने के लिए जाना हो, दो तीन झूले लगे हुए हों, अच्छा झूला हो, यहीं से कह देंगे वो पहला वाला झूला मेरा। अरे तुम्हारे कैसे हो गया अभी? कि मेरी निगाह पहले पड़ी है, मैंने उसको पहले देखा है, तो मैंने जाना ना, इसलिए वो मेरी है। ऐसे नहीं आए ख्याल में तो आजकल वो पेटेंट होता है ना। पेटेंट क्या होता है? किसी चीज़ की आपने कुछ खोज की, जाना ही तो खोज किया, मैंने क्या किया? जाना। जो कुछ भी बनाया भी कहते हैं तो बनाया क्या है? उसको जोड़ जाड़ करके इसका ऐसा, इसको इससे जोड़ दो तो ये बन जाता है, ये जाना ही है।
और ये जो मैंने जाना है, ये मैंने जाना है, ये जाना हुआ किसका है? मेरा है। तो वो जानना मेरा, इसलिए वो वस्तु का पेटेंट मेरे नाम, माने वो मैंने जाना इसलिए मेरा हो गया। ये तुम्हारा होता है क्या? वो तो वस्तु वस्तु ही रहती है ना, इसलिए परक कहाँ ज्ञायक नहीं है। तो ज्ञायक तो क्या है? त जान गो दूण परस, जान गो सोदु। वास्तव में स्वस्वामी संबंध का ही निषेध है, जानने का निषेध नहीं है। जानना तो सहज है लेकिन उसका स्वामी नहीं बनता है। तो ज्ञाता ज्ञायक जो है पर का नहीं है, ज्ञायक ज्ञायक का ही है। ज्ञायक का ही है कह रहे कि ज्ञायक ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक का नहीं कह रहे हैं। अपन गलत अर्थ किया, उसी में से अमृतचंद्र आचार्य ज्ञायक ज्ञायक ही निकालेंगे। भाई पर का ज्ञायक नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक है। छठवी गाथा का विषय कुछ याद आया इस संदर्भ में? हाँ, जब जान गो दुजो भावो एवं भणंती शुद्धम, ज्ञायक भाव को शुद्ध कहा और शुद्धता की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, अशेष क्या पर द्रव्य भिन्नत्वेन उपास्यमानत्वात् शुद्धः। उपास्यमान समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। पर द्रव्यों से भिन्न माने उसकी शुद्धता पर द्रव्यों से भिन्नता की है, भिन्न है पर द्रव्यों से। तो वहां ये प्रश्न खड़ा किया, यहाँ पर द्रव्य से भिन्न कहते हो इसलिए शुद्ध है कहते हो, लेकिन आप उसका नाम क्या देते हो? कौन है वह? ज्ञायक। तो ज्ञायक का मतलब क्या है? ज्ञायक का मतलब क्या है कि गेयों को जानता है, गेयों का ज्ञायक है, तो गेयों को जानता है। तो गेयों को जानेगा तो अशुद्धता आएगी ना। तो पहले तो वो सिद्ध कर दिया कि गेयों को जानते हुए गेयकृत अशुद्धता उसमें नहीं आती है, जैसे ईंधन अग्नि को जलावे दाह्यकृत अशुद्धता दहन में नहीं आती है, ईंधन की अशुद्धि अग्नि में नहीं आती है, ऐसे गेयों की अशुद्धि ज्ञायक में नहीं आती, इसलिए ज्ञायक अशुद्ध नहीं होता है, गेयों को जानने पर भी अशुद्ध नहीं होता। तो फिर कहा कि गेयों की अशुद्धि नहीं आती इसलिए तो अशुद्ध नहीं होता, लेकिन गेयों के कारण उसका नाम तो पड़ा ना, इतना संबंध तो आया। पर को जानने के कारण, पर गेयों को जानता है इसलिए ज्ञायक, तो पर का ज्ञायक, इतना संबंध तो पर के साथ आ गया, उतनी अशुद्धि खड़ी हो गई। केलक क्यों ज्ञायक नाम जो दिया है वो मात्र पर को जानने के कारण दिया क्या? तो स्वयं को जानता है तो क्या कहोगे उसे? तो स्वयं को जानता है तो स्वयं को जानने के काल में भी वह ज्ञायक है। पुनः दीपक का उदाहरण दिया, दीपक जैसे सहज स्वपर प्रकाशक है, स्वयं को प्रकाशित करते समय भी दीपक है, माने दूसरों को करे तब दीपक, स्वयं को करे तो कुछ नाम थोड़ी बदल जाएगा। ऐसे पर को जाने जब ज्ञायक और स्वयं को जाने तो स्वयं ही गेय स्वयं ही ज्ञायक, तो उस समय भी वह ज्ञायक ही है, इसलिए पर को जानने के कारण से ही ज्ञायक है ऐसा नहीं है। पर को जानने का जानने वाला जो ज्ञायक है ऐसा ज्ञायक ही जब गेय बनता है तब गेय भी ज्ञायक और ज्ञायक भी ज्ञायक। अब तो पर का कोई संबंध नहीं है इसलिए कहाँ पर की अशुद्धि वहाँ प्रवेश करती है। ऐसा यहाँ जान गो न परस, जान गो सोदू, बस ज्ञायक तो ज्ञायक ही है पर से उसका कोई संबंध नहीं है। अब ये ज्ञायक जानने पर घटित किया, ऐसा ही दर्शन देखना और संजदो संयम चारित्र, और साथ में पुनः दर्शन शब्द लेंगे, यहाँ पास को लिया है ये वह पश्चदी वाला दर्शन है, और पुनः दंशनम लेंगे वह सद्दहदी वाला है, वो व्यवहार की बात आएगी तब और वह स्पष्ट हो जाएगा। पहली पंक्ति एक सी चलेगी चारों गाथाओं में, निश्चय वाली जो बात चल रही है इसमें चारों में एक सी दृष्टांत वाली, जह सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया साहुदी, कलई जो है वह कलई की है पर की कलई नहीं होती है, उसी तरह पास गो दुन परस, यह देखने वाला दर्शक दृष्टा पर का नहीं है तो किसका है? किसका है क्या? दर्शक तो दर्शक है,
बस दृष्टा तो दृष्टा है, चानन देखने वाला वह देखने वाला ही है। तीसरी गाथा, जह सेड़िया दुण परस सेड़िया, सेड़िया ऐसा होती जैसे कलई पर की नहीं होती, कलई तो कलई होती है, उसी तरह यह संयत पर का संयत हो, किसी का संयम मैंने कर दिया, इसको छोड़ दिया। प्राणी संयम मैंने क्या है भाई, इन इन जीवों के घात का मैंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। इंद्रिय संयम, इन इंद्रियों के विषयों का मैंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो संयत तो किसका संयत हुआ, पर का संयत। पर का संयत कहाँ है, त संजदो दुण परस, पर का संयत नहीं है तो किसका है, संजदो संजदो किसका नहीं करे, संयत तो संयत ही है। ज सेड़िया दुण परस सेड़िया, सेड़िया ऐसा होदी त दंसणम दुण परस दंसणम दंसणम तम तुम, कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई है। उसी तरह ये श्रद्धान किसका, किसका श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, किसका श्रद्धान, कहते पर का श्रद्धान नहीं है ये श्रद्धाता, श्रद्धान करने वाला, ये पर का नहीं है, किसका है, बस श्रद्धान तो श्रद्धान है। एवं तो निश्चयणस्य भासिदम नान दंसन चरित्ते, नान दंसन चरित्ते निश्चयणयस्य भासिदम, ज्ञान दर्शन चारित्र के संबंध में निश्चयणय का इस तरह से निरूपण किया, निश्चयणय की ये विवक्षा है। निश्चय से ज्ञान दर्शन चारित्र पर का नहीं होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र तो ज्ञान दर्शन चारित्र होता है। तीन ही बातें ली, नान दंसन चरित्र, लेकिन ऊपर गाथाएं तो चार हुई ना, तो नान दंसन चरित्र, तो यहां दर्शन शब्द से दोनों ले लेना, वो दृष्टा ज्ञाता दृष्टा वाला दर्शन भी ले लेना और श्रद्धान वाला भी दर्शन ले लेना, या फिर ज्ञान दर्शन चारित्र कह दिया है तो उसके साथ में ज्ञान दर्शन चारित्र, अब उसमें भी दिक्कत आती है, ज्ञान दर्शन चारित्र में दर्शन सब दर्शन का भाव कौन सा लेना, श्रद्धान वाले लेना कि सामान्य अवलोकन वाला लेना, तो अपन थोड़ा सामान्य इस रूप से लेते हैं कि जब दर्शन ज्ञान चारित्र करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो श्रद्धा की मुख्यता से बात करते हैं, और ज्ञान दर्शन चारित्र करे तो वहाँ ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा वो सामान्य अवलोकन वाला ज्ञान दर्शन उपयोग वाला लेते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र, लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा बात करते हैं तो ज्ञान दर्शन चारित्र वहाँ श्रद्धा लेना पड़ता है, वो उपलक्षण से दोनों लिया है ऐसा समझ लेना, ज्ञाता दृष्टा वाला भी ले लिया और श्रद्धान वाला भी ले लिया। ये तो निश्चय की बात हुई, दर्शन ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र है, किसी परक से उनका कोई संबंध नहीं है। सुनो व्यवहार नयस्य वक्तव्यम से समासेन, अब व्यवहार नय का जो कथन है इनके संबंध में वह समासेन संक्षेप में कहते हैं, सुनो सुनो उसे, अब सुनो आगे स्पष्ट कर रहे हैं। जहा परदव्यम सेड़िदि हो सेड़िया अपनो सहावेन, ये कलई पर की तो नहीं है, सफेदी पर की तो नहीं है, लेकिन पर को सफ़ेद तो करती है ना, जिसको भी करती है उसको सफ़ेद कर देती है कि नहीं करती है, हाँ सफ़ेद तो करती है, पर की नहीं है ये निश्चय, लेकिन पर को सफ़ेद करती है, तो पर को इसने सफ़ेद किया, ये व्यवहार कैसे करती है, क्यों करती है, सहावे ना तो उसका सफ़ेद स्वभाव है इसलिए वह पर को सफ़ेद करती है, पर को उसने सफ़ेद किया, ये व्यवहार से कहा जाता है। कहाँ गया, तह ये 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 हो गया, सेड़ती हूँ सेड़िया अपनो साविन, तह परदव्यम जानदी नादावी सैण भावीण, ऐसे ही नादा ज्ञाता अर्थात आत्मा, ये आत्मा भी पर द्रव्य को जानता है, पर द्रव्य का नहीं है ये तो मान लिया, निश्चय से पर द्रव्य का नहीं है, लेकिन पर द्रव्य को जानता है ना, अभी ये बात प्रारंभ में थोड़ी अपन ने चर्चा की थी, पर द्रव्य को निश्चय से जानता है कि व्यवहार से जानता है, अब वो जो व्यवहार वाली बात है, जानना यथार्थ, यथार्थ है माने
जानता है ये बात सही है, परंतु पर को जानने की बात आई है इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। तो परदव्वम जान दी, यही व्यवहारपना है इसमें कि क्यों जानता है, सहेन भावेन, उसका जानना सहज स्वभाव है, इसलिए अपने स्वभाव से वह पर को जानता है। पुनः दृष्टांत तो वही दोहराते हैं, ज परदव्वम सेड़ दीहु सेड़िया अपनो सहावेन, सफेदी अपने स्वभाव से, पर मणिया दीवाल, दीवाल को ही सफेद करने के लिए मुख्य रूप से आती है, इसलिए वो दीवाल को सफेद करती है, अपने सफेद स्वभाव से उसे सफेद करती है। तह परदव्वम पश्यदि जीवो भी सयेन भावेन, ऐसे ये जीव भी परद्रव्य को देखता है, सामान्य अवलोकन रूप दर्शन करता है, क्योंकि इसका ज्ञाता दृष्टा, दृष्टा स्वभाव है, इसलिए अपने सहज स्वभाव से पर को देखता है। जह परदव्वम सेड़ दिव सेड़िया अपनो सहावेन, जैसे सफेदी अपने स्वभाव से ही परद्रव्य को सफेद कर देती है, तह परदव्वम बिजहदी नादा सयेन भावेन, ऐसे ही इसका सहज ही त्यागने का स्वभाव है। कैसा सहज त्यागने का स्वभाव, अब वो 34-35वीं गाथा याद कर लेना, तम्मा पच्छक्काणम नानम नियमा मुणे दव्वम जह सव्वे परदाव्ये परेति नादून विमुंच देनानी, पर द्रव्य को ये पर है ऐसा जान करके त्यागता है, जान कर जाना है, और उसका जानना ही त्याग है। तो जानना स्वभाव, जानने में पर का ग्रहण होता नहीं है, पर मेरा ऐसा जाना था, अब जान लिया कि पर मेरा नहीं, ये उसका त्याग हो गया, ऐसे सहज ही त्यागने का उसका स्वभाव है ये, और ऐसे त्याग देना इसको चारित्र कहते हैं, इसलिए वो सहज चारित्र का स्वभाव है, पर से सहज विरक्त होने का उसका स्वभाव है। परदव्वम सेड़ दीव परदव्वम सद विजहदी, विजहदी नादा भी सयेन भावेन, ज्ञाता विजयदी के साथ ज्ञाता ही लिया, वह त्याग करने वाला ऐसा कोई शब्द नहीं लिया, क्योंकि त्याग करने वाला उस त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से सहित है, त्याग कर नहीं सकता, तो क्या करता है कि जानना ही उसका त्याग है, इसलिए नादा विजहदी सयेन भावेन, सहज अपने स्वभाव से वह त्यागता है, पर द्रव्य को छोड़ा, ये व्यवहार से कहने में आता है। जह परदव्वम सेड़ दिहु सेड़िया अपनो सहावेन, तह परदव्वम सद्दहदि सम्मदिट्ठि सहावेन, सफेदी पर को दीवाल को अपने स्वभाव से सफेद करती है, ऐसा सम्मदिट्ठि, अब ऊपर तो सामान्य ज्ञाता क्या क्या शब्द लिए, जीवो भी लिया, नादा जीवो नादा, जीव ज्ञाता ये लिया, लेकिन यह श्रद्धा की बात है तो सम्मदिट्ठि लिया, सम्यक दृष्टि के वास्तविक पर का श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि कर रहा है, वास्तविक श्रद्धान जैसा है वैसा, पर को पर, निज को निज, पर को पर जान, तो पर को पर रूप श्रद्धान कर रहा है, ले सम्मदिट्ठि लिया, सामान्य श्रद्धा भी ले वे, मिथ्या दृष्टि पर मेरा है ऐसा श्रद्धान कर रहा है पर के संदर्भ में, तो वो भी पर का श्रद्धान कर रहा है, तो सम्मत, तो उसी तरह जीव भी सम्यक दृष्टि भी स्वभाव से ही पर द्रव्य का श्रद्धान करता है, तो सम्यक दृष्टि पर द्रव्य का श्रद्धान करता है कि आत्मा का श्रद्धान करता है, पर द्रव्य का श्रद्धान करता है कि आत्मा का श्रद्धान करता है, अभी यहाँ व्यवहार की बात चल रही है, व्यवहार से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि किस किस का श्रद्धान करता है, तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है, सात तत्वों का श्रद्धान करता है, जनवाणी की प्रत्येक बात का श्रद्धान करता है, सम्यक दृष्टि भूत व्यंतर को मानता है कि नहीं मानता है, सम्यक दृष्टि भूत व्यंतर को मानता है कि नहीं मानता है, भूत व्यंतर का मानता शब्द की जगह ऐसा ही कहे, भूत व्यंतर का श्रद्धान करता है कि नहीं करता है, हाँ सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि भूत व्यंतर का श्रद्धान करेगा, हा? अरे श्रद्धान करता है, मैंने श्रद्धान का भाव क्या है, कि श्रद्धान माने वो भूत व्यंतर आदि व्यंतरवासी देव है, उन देवों के भेदों में इस तरह से भेद होते हैं, देवास चतुर्णी काया, तो ये भेद प्रभेद है, देवगति के देव होते हैं ऐसा बराबर मानता है, तो वे सुख दुख देते हैं इसलिए उनको पूजना चाहिए मानना चाहिए,
ये मानना ही को श्रद्धान थोड़ी कहलाता है। तो पर द्रव्य का श्रद्धान सम्यक दृष्टि करता है, जो श्रद्धान करने का स्वभाव है वस्तु जैसी है वैसी मानना, ये स्वभाव में है, इसलिए पर का भी श्रद्धान करता है। एवं व्यवहार सदु विनिच्छवो नान दंसन चरित्ते, इस तरह ज्ञान दर्शन चारित्र इनका संबंध पर के साथ भी है, ये व्यवहार से विनिच्छो, व्यवहार से निश्चय नहीं करे, जानो ऐसा निश्चय करो, ऐसा समझो कि व्यवहार से ज्ञान दर्शन चारित्र का पर से इस प्रकार का संबंध है। भणिदो अर्णेशु विपज्येशु एमेव नादवो, हमने यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र और दर्शन में दोनों ले लिए, इन चार गुणों की अपेक्षा बात की है और पर्यायों के संदर्भ में भी इसी तरह समझना चाहिए। आत्मा का कोई गुण हो, उस गुण का यदि कोई पर के साथ संबंध जोड़ा जा रहा हो, अब और गुण ख्याल में नहीं आ रहा, और कोई गुण जोड़ो उसमें, ज्ञान दर्शन चारित्र, अब सुख का वेदन भी ले लो, सुख दुख का की भी, सुख का वेदन पर के सुख का वेदन कर रहा है, पर के सुख का, तो सुख का वेदन पर का कहना ये व्यावहारिक दृष्टि से है, वो स्वभाव से ही सुख का वेदन कर रहा है, अपना कर रहा है, स्वयं सुख स्वरूप है, ये तो निश्चय में जाएगा, और पर का कर रहा है यदि कहा जाएगा तो व्यवहार में जाएगा, ऐसा अन्य पर्यायों के संदर्भ में इसी प्रकार जानना चाहिए। चलिए पुनः एक बार दोहराते हैं गाथार्थ को, फिर गाथा दोहराएंगे। यहाँ इस बात पर ध्यान देना, आचार्य इतना रिपीट क्यों करते हैं, ऐसा वे रिपीट वो सेटिका के लिए नहीं करते हैं, वो रिपीट करते हैं जान गो पास गो, आत्मा कैसा है, तो उसके साथ साथ में आत्मा का स्वभाव भी अपने ख्याल में आवे, आत्मा के स्वभाव की चर्चा उसके साथ साथ चलती है। पुनः गाथार्थ पढ़ने के लिए ऊपर के पंक्तियां पुनः दोहराते हैं। यद्यपि व्यवहार से परद्रव्यों का आत्मा का गेय गायक संबंध है, दृश्य दर्शक संबंध है, त्याज्य त्याजक संबंध है, तथापि निश्चय से तो वस्तुस्थिति इस प्रकार है, जिस प्रकार सेटिका अर्थात खड़िया मिट्टी या पोतने का चूना या कलई पर की अर्थात दीवाल की नहीं है, क्योंकि सेटिका तो सेटिका ही है, उसी प्रकार ज्ञायक आत्मा तो ज्ञेय रूप पर द्रव्यों का नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शक पर का नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है, यहाँ कोई सिनेमा का दर्शक नहीं लेना है, कोई नाटक का दर्शक नहीं लेना है, कितने दर्शक थे हा? वो दर्शक नहीं है, यहाँ ज्ञाता दृष्टा आत्मा वाला दर्शक है हा? जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार संयत पर का नहीं है, संयत तो संयत ही है, जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई है, उसी प्रकार दर्शन श्रद्धान पर का नहीं है, दर्शन तो दर्शन ही अर्थात श्रद्धान तो श्रद्धान ही है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र के संदर्भ में निश्चय नय का कथन है, और अब उस संबंध में संक्षेप से व्यवहार नय का कथन सुनो। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को जानता है। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार जीव अपने स्वभाव से परद्रव्यों को देखता है। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्यों को त्यागता है। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से परद्रव्यों का श्रद्धान करता है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र में व्यवहार नय का निर्णय कहा है, विनिश्चयो लिया ना निर्णय, अन्य पर्यायों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। बोले गाथाएं और पद्यानुवाद एक बार बोलिए सभी। जह जसेड़िया दुण परस सेड़िया सेड़िया यसा हो दी, तह जान गो दुण परस जान गो सोदू, जह सेड़िया दुण परस
सेड़िया सेड़िया यसा हो दी तह पास गो दुण परस पास गो सोदु जह सेड़िया दुण परस सेड़िया सेड़िया यसा हो दी तह संजदो दुण परस संजदो संजदो सोदु जह सेड़िया दुण परस सेड़िया सेड़िया यसा हो दी तह दंसनम दुण परस दंसनम दंसनम तम तु एवं तुणिच्छयणयस्स भासेदं नाणदंसन चरित्ते सुणु व्यवहारणयस्य वक्तव्यं से समासेण जह परदब्बं सेडदि हुसेडिया अपणो सहावेण तह परदव्वम जानदी राधा विषयेण भावेण परदव्वम सेडदिहु सेडिया अपणो सहावेण तह परदव्वम पस्सदी जीवो विषयेण भावेण जह परदब्बं सेडदि हुसेडिया अपणो सहावेण तह परदब्बं विजहदि नादा विषयेण भावेण जह परदब्बं सेडदि हुसेडिया अपणो सहावेण तह परदब्बं सद्दहदि सम्मद्दिट्ठि सहावेण एवं व्यवहारस्सदु विनिच्छौ णाणदंसन चरित्ते भणिदो अन्ने सुवि पज्ज एषु एमेव णादव्वो ज्यो कलई नहीं है अन्य की यह कलई तो बस कलई है ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का ज्ञायक तो बस ज्ञायक ज्यो कलई नहीं है अन्य की यह कलई तो बस कलई दर्शक नहीं त्यों अन्य का दर्शक तो बस दर्शक ज्यों कलई नहीं है अन्य यह कलई तो बस कलई है संयत नहीं त्यों अन्य का संयत तो बस संयत ज्यों कलई नहीं है अन्य की यह कलई तो बस कलई है दर्शन नहीं त्यों अन्य का दर्शन तो बस दर्शन यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है परमार्थ का अब सुनो अति संक्षेप में तुम कथन नय व्यवहार पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य को निज भाव पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से बस त्यों ही दृष्टा देखता पर द्रव्य को निज
पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से बस त्यों ही ज्ञाता त्यागता पर द्रव्य को निज भाव से पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है व्यवहार का अर अन्य पर्यय विषय में भी इस तरह ही जानना। जब कुंदकुंदाचार्य ने एक ही दृष्टांत को चार बार दोहराया है और स्वतंत्र अलग अलग गाथा लिखने में क्या कहे आलस नहीं किया, तो अमृतचंद्र आचार्य एक साथ एक बात दे करके छोड़ना नहीं चाहते, वे भी हाँ एक बार तो बचा लिया, फिर भी अमृतचंद्र आचार्य ने उन्होंने तीन बार लिया। जो श्रद्धान वाला दर्शन है वह श्रद्धान वाला गौण कर दिया, सिर्फ ज्ञायक दर्शक और चारित्र वाला, वो चारित्र को अपोहक शब्द दिया है, इन तीन पर घटित किया और ये तीन पर निश्चय पर और ऐसे ही तीन पर व्यवहार पर घटित किया। और जो गाथा में एक और थोड़ी कंजूसी की, गाथा में निश्चय की बात पूरी हुई तो एक गाथा अलग लिखी गई, इस तरह निश्चय का हुआ, अब व्यवहार का कथन करते हैं और अंत में जब व्यवहार की बात की तब कहा, इस तरह जैसे व्यवहार चार गाथाओं में लागू किया उसी तरह और पर्याय में भी लगा लेना। अमृतचंद्र आचार्य ने निश्चय व्यवहार की पूरी चर्चा करने के बाद फिर सीधा एक साथ कह दिया, इस तरह निश्चय व्यवहार दोनों इस तरह समझ लेना, निश्चय व्यवहार की ज्ञान दर्शन चारित्र के संबंध में निश्चय व्यवहार दोनों ही इसी प्रकार से समझ लेना, बस इतना सा अंतर है। बाकी अब रिपीटेशन बहुत है, आज अपन सिर्फ उदाहरण जो है कलई कलई की है, बस इसके उदाहरण को कैसे तार्किक दृष्टि से अमृतचंद्र आचार्य ने स्पष्ट किया है वह दृष्टांत देखेंगे और फिर वह स्वयं कहेंगे ये तो दृष्टांत है, इसका दार्ष्टांत हम आगे बताते हैं, वो उसको घटित करेंगे। तो एक सिर्फ उदाहरण वाला जो है वो उदाहरण भी पूरा एक पेज का है, कोशिश करते हैं, देखिए और यदि होगा बीच में छोड़ देंगे, ज़्यादा समय होने लगेगा। तो सेटिका अत्र तावत श्वेत गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम। सेटिका क्या होती है, कलई सफेदी क्या होती है, श्वेत गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम, सफेद गुण से भरा हुआ एक द्रव्य है, सफेदी से भरपूर एक द्रव्य है, सफेदी सफेदी जिसमें है ऐसा वह है, वो सेटिका कहलाती है। तो सेटिका अत्र तावत श्वेत गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम, तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यम कुड्यादि पर द्रव्यम। और उसके कौन है वो, किसकी कहलाती है कि वह किसकी है कि कुड्यादि पर द्रव्यम, उसके लिए व्यवहार से वो जिसकी सफेदी होनी है ना, श्वैत्य सफेद होने योग्य जिस पर पोतना है उसे, वह कुड्यादि माने दीवाल इत्यादि जो परद्रव्य है वह व्यवहार में उसकी है। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यम कुड्यादि परद्रव्यम, ये इस दीवाल की है, दीवाल की कलई और कलई की दीवाल है, ऐसा इस तरह से उसके साथ उसे व्यवहार से जोड़ा जाता है। अब अमृतचंद्र आचार्य की न्याय की शैली, अथ अत्र कुड्यादेहे परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवति इति तद उभय तत्व संबंधो मीमांस्यते। कहते ये जो दीवाल इत्यादि कुड्यादेहे परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य, ये दीवाल इत्यादि जो परद्रव्य है
जो सफेद होने योग्य है, जिनके पोतने के लिए वायु वह श्वैत्य, वो श्वेत करने वाली है तो श्वैत्य, श्वेत होने योग्य है, इसकी वह श्वेत इत्री से टीका, वो सफेद करने वाली ऐसी जो सफेदी है, कलई है, वह उस दीवाल की किम भवती किम न भवती, होती है कि नहीं होती है, इस पर विचार करते हैं। लेकिन विचार कौन सा होना है? सामाजिक विचार नहीं होना है, बहुमत से विचार नहीं होना है, औपचारिक विचार नहीं होना है। कैसा विचार करते हैं? तद उभय तत्व संबंधो मीमांसिते, उन दोनों के संदर्भ में तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं, वस्तु स्वरूप से विचार करते, मीमांसा करो वस्तु स्वरूप से, वस्तु से देखो। तो वस्तु से विचार करने पर क्या निष्कर्ष निकलता है? यदि सेटिका कुड्यादेर भवति तदा यस्य यद भवति तत्तदेव भवति। यदि सेटिका दीवाल की है, कलई दीवाल की है, यदि होती है तो इसके लिए जो जिसका होता है वो वही होता है, जो जिसका होगा वो वही होता है। इसके लिए अमृतचंद्राचार्य उदाहरण देते, कैसे? यथा आत्मना ज्ञानम भवत आत्मैव भवति। जैसे ज्ञान किसका है? आत्मा का है, तो आत्मा ही होता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। यदि ज्ञान आत्मा का है तो आत्मा ही होता है, ज्ञान आत्मा का है तो आत्मा ही होता है। यदि ये कलई दीवाल की है तो फिर क्या हो जाएगी? दीवाली हो जाएगी। यद यस्य भवति तत् तदेव भवति, जो जिसका होता है वो वही हो जाता है। इस नियम के अनुसार इति तत्व संबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर भवन्ति कुड्यादेर एव भवेत्। इस प्रकार से इनका वास्तविक संबंध जीवति, जीवति शब्द जो यहाँ पर विद्यमान होने के अर्थ में जीवित होना, माने ये संबंध यदि जीवित हुआ, इस संबंध को यदि आपने खड़ा किया, ये दीवाल की है, ऐसा करने पर सेटिका कुड्यादेर भवन्ति, सेटिका कुड्यादि की होती हुई, ये भवती भवंत भवंती बहुवचन वाला नहीं है, ये भवन भवंतो भवंती वाला है, होते हुए, होते हुए के अर्थ में, वह कलई दीवाल की होती हुई कुड्यादेर एव भवेत, फिर वह दीवाली हो जाएगी, क्यों? जिसकी उसी की हो जाती है, यदि उसकी कही जाएगी तो दीवाल ही हो जाएगी, कि दीवाल की हुई तो दीवाली हो गई। एवं सती सेटिकाया स्वद्रव्योच्छेद, तो फिर क्या हुआ? कलई दीवाल की हो गई माने दीवाल हो गई, तो दीवाल हो गई तो फिर कलई कहाँ बची? क्योंकि दीवाल की होने पर क्या हो गई? वह दीवाल हो गई। तो फिर कलई नाम का जो द्रव्य था उसके अपने द्रव्य के उच्छेद का प्रसंग आता है, फिर कलई नहीं रहेगी, तो कलई के उच्छेद का प्रसंग आता है। न च द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदः। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता, प्रवेश नहीं करता, बहिर्लुठन अपि बाहर बाहर लौटता है, न विशति दूसरे में प्रवेश नहीं कर, निषेध किया है तो संक्रमित नहीं होता है। यहाँ निषेध किया और पहले भी निषेध किया, कर्ता कर्म अधिकार में बहुत निषेध किया, द्रव्य गुण दूसरे में संक्रमित नहीं होते हैं, तो संक्रमण का अभाव है, पहले भी निषेध किया गया है तो संक्रमित तो होगा नहीं। तो कलई दीवाल के साथ संक्रमित होकर दीवाली हो जाए ऐसा होगा नहीं, तो ऐसा नहीं होने से द्रव्यस्य उच्छेदः नास्ति, न पहले आ जाता है, इसलिए अस्ति उच्छेदः लिखा है, नहीं है, इसलिए कलई का उच्छेद तो हुआ नहीं, हो नहीं सकता है। तो फिर हुआ क्या? तथा न भवति सेटिका कुड्यादे, तो ऐसा होना संभव नहीं है, इसका मतलब वह कलई दीवाल की नहीं है। तुम दीवाल की कहना चाहते हो, हम तात्विक दृष्टि से विचार करना चाहते, दीवाल की कहोगे तो दीवाल हो जाएगी, और ऐसा होता नहीं है, तो फिर क्या है कि दीवाल की नहीं, ये कहना पड़ेगा। न भवति, यदि न भवति सेटिका कुड्यादेहे तरी कस्य सेटिका भवति, भैया वो दीवाल की नहीं है, ये रखी बताओ किसकी है, ये कलई किसकी है भाई, बताना तो पड़ेगा किसकी है, दीवाल की तो मना कर दिया आपने, दीवाल की तो होती नहीं है। यदि न भवति सेटिका कुड्यादे, दीवाल की नहीं होती है, त
तरी कस्य सेटिका भवती, तो कलई फिर किसकी है? कहते सेटिकाया एव सेटिका भवती, कलई कलई की ही है, दीवाल की कहने पर तो उसका नाश हो जाएगा, इसलिए वो कलई कलई की है। अब फिर प्रश्न करते हैं, ननु कतरा अन्य सेटिका सेटिकाया यस्या सेटिका भवती, आप ये कह रहे हैं ना कलई किसकी है, कलई की है, तो ये कलई कलई की है, तो दूसरी कलई कहाँ है जिसकी ये कलई है? कलई की कलई कह रहे हैं ना, तो दो होना चाहिए ना, तो दूसरी कलई कहाँ है जिसकी ये कलई है? क्या भाषा प्रयोग की? ननु कतरा अन्य सेटिका सेटिकाया यस्या सेटिका भवती, वो दूसरी कलई कहाँ है जिसकी ये कलई हो रही है, कहाँ है बताओ? न खलु अन्या सेटिका सेटिकाया, इस सेटिका की कोई दूसरी सेटिका तो है नहीं, किस कलई की कोई दूसरी कलई हो ऐसा तो है नहीं। न खलु अन्या सेटिका सेटिकाया, किंतु स्वस्वामी अंशो एव अन्यो अन्यो स्वस्वामी अंशो एव, ये जो दो कहे जा रहे हैं ना कलई की कलई, इसमें इसी में स्वयं में स्वस्वामी दो अंश खड़े किए हैं, ये स्वयं की है ना, तो स्व और इसके स्वामी कौन, कि स्व ही स्वामी, तो स्वयं में ही स्वस्वामी संबंध कहा है, तो स्वस्वामी दो अंश एक में ही खड़े किए, दो कलई नहीं है बल्कि एक के ही दो अंश है, स्वस्वामी अंशो एव अन्यो। किमत्र साध्यम स्वसम्य अंश व्यवहारेण, भी तो कलई है, इसमें दो अंश खड़े करने से, दो अंश खड़ा करके व्यवहार करने से क्या सिद्ध है, क्या साध्य करोगे? किमत्र साध्यम स्वस्वामी अंश व्यवहारेण, ऐसा व्यवहार खड़ा करने से क्या तात्पर्य है? न किमपि, इससे तो कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। तरही न कस्यापि सेटिका 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 एव इति निश्चया, तो फिर यह सेटिका किसी की नहीं है, दीवाल की तो है ही नहीं और सेटिका की भी नहीं है, तो फिर क्या है? सेटिका सेटिका एव इति निश्चया, क्या है? कलई तो कलई है, ये निश्चय है, ये निश्चय है क्या, माने ये वो कलई कलई है, उसको कलई के रूप में कहा गया, ये निश्चय नहीं का कथन दृष्टांत के रूप में कहा गया। यथा अयम दृष्टांतः तथा अयम दार्ष्टान्तिकः, जैसा ये दृष्टांत दिया है अब वैसे ही ज्ञान गुण पर घटित करेंगे, फिर दर्शन दर्शन गुण पर घटित करेंगे और चारित्र पर घटित करेंगे, तीनों पर, और तीनों समय ये जो उदाहरण अभी अपन ने पढ़ा है ना, इस उदाहरण को भी पुनः दोहराएंगे ही, तो एक बार अपन ने पढ़ लिया है, बाद में तो अपन पढ़ेंगे, कल दर्शन ज्ञान गुण संबंधी जो विस्तार है उसको अपन विस्तार से सिद्धांत पर घटित करते हुए। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो